को ऑब्जर्व करते हुए डायग्रामेटिक नोट्स बनाते हुए हमारे साथ अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो इस 26 जनवरी 2023 को मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं अपनी पूरी टीम के साथ में एक रेगुलर एंड कॉम्प्रीहेंसिव बैच फॉर जुडिशल एग्जाम प्रिपरेशन जो कि मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात हरियाणा दिल्ली बिहार झारखंड कर्नाटका तमिलनाडु उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की सभी आने वाली वैकेंसीज के लिए बहुत ही यूजफुल होने वाला है सो इंतजार किस बात का लेट्स कैक जुडिशरी हेलो वन नमस्कार स्वागत है आप सभी का मैं लिंगी उत्तम सुखवाले अकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आने जाते वेलकम आज मेरे पास में वो है जिसका हमें काफी दिन से इंतजार था और इसी से हम लोग क्या करने वाले हैं पेपराथन सीरीज को कंक्लूड करेंगे खासकर मेजर लॉ के सेगमेंट को लेकर देखिए यहां पर हम लोग अभी तक जो है वेटेज एनालिसिस को अगर ध्यान में रखें तो हम क्या कर चुके हैं यहां पर मेरे पास एक टेबल है वेटेज एनालिसिस की उसके अकॉर्डिंग लगभग साढ़े ग्यारह नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन लगभग सात से आठ नंबर का इंडियन पिनल कोड साढ़े दस नंबर का जो कि वर्तमान में आपके दस से ग्यारह नंबर चल रहा है आपके सीआरपीसी और साढ़े सात या आठ नौ नंबर का आपके एविडेंस लो आज हम करने वाले हैं यानी कि वो टॉपिक जो लगभग नौ से दस नंबर कवरेज करता है बेसिकली सिविल प्रोसीजर कोड तो अब आपके सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर जो भी सवाल ए आई बी थर्ड से लेकर ए आई बी सिक्सटीन तक पूछे गए हैं वो हमें क्या करना है डील है जो करना है कल ही हमने इस ए आई बी को लॉन्च किया था और जल्दी इसको आउट ऑफ स्टॉक भी करना पड़ेगा सो गेट रेडी अच्छे से समझना ऑब्जर्व करना क्योंकि इस बार जो आपका ए आई बी सेवनटीन होने वाला है उसके अंदर कहीं कहीं सवालों का रिपीटेशन भी होता है हम लोग पेपराथन इसलिए कर रहे हैं ताकि पुराना अनुभव पता चल जाए किस तरीके से क्वेश्चन हमारे सामने आ रखे थे और साथ ही साथ में साथ ही साथ में वहां पर आपके बीच में यह भी पॉइंट आ जाएगा कि किस वे में आगे के स्टेप्स को फॉलो करना है अभी आपके पास में जो है पंद्रह दिन का एक समय है और इस पंद्रह दिन के समय को बढ़िया तरीके से यूटिलाइज करना है आज तारीख है अठारह महीना है आपके जनवरी इकतीस का यानी कि आप मान के चले ग्यारह पांच सत्रह अठारह उन्नीस दिन का टाइम पीरियड है आपके पास ठीक है आप में से कई लोगों की पेपराथॉर्न का ऑर्डर बुक हो चुका है कल अर्ली मॉर्निंग वो इंडियन पोस्ट ऑफिस से रवाना हो जाएंगे और आप तक तीन से चार दिन के अंदर पहुंच जाएंगे ऐसा मुझे विश्वास है अगर कोई एक्सेप्शनल सर्कमचांसेस नहीं होती है तो फिर आप उसको अगले दस दिन तक बढ़िया सॉल्व कर देना देखो दस साल के पेपराथॉन का मतलब लगभग लगभग हजार से ज्यादा क्वेश्चंस आपके सामने डील होंगे वो भी सब्जेक्ट वाइज में सारे सब्जेक्ट हमें नहीं करने फिर से कह रहा हूं मैं ए आई अगर आप क्लियर करना चाह रहे हो सारे सब्जेक्ट में दिमाग मत लगाना इनकम टैक्स जैसे टॉपिक नहीं पढ़ना है कॉर्पोरेट टैक्स जैसे कंपनी वगैरह का मामला है वो आप लोगों को नहीं पढ़ना है आपको थोड़ा सा इसके अंदर सेलेक्टिव चलना पड़ेगा यानी कि अगर मैं सिलेबस की स्पेसिफिकली बात करूं तो आप लोग यहां पर इग्नोर कर लो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को भूल जाओ कंपनी लॉ को भूल जाओ इन्वायरमेंट लॉ को इग्नोर करो साइबर लॉ को इग्नोर करो लेबर इंडस्ट्रियल लॉ इग्नोर करो लॉ रिलेटिंग टू टैक्सेशन इग्नोर करो लैंड एक्विजिशन एक्ट इग्नोर करो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ इग्नोर करो अब ये सब आप छोड़ दोगे ना तो उसके बाद भी आपके पास सेवन सेवन परसेंट का स्कोर लेने का मौका रहेगा ठीक है दैट विल हेल्प यू और वहां से आप उन चीजों को क्या कर सकोगे कवर है जो कर सकोगे ठीक है सो लेट बिगिन अब शुरू करते हैं यहां पर तो पहला हमारे पास में है AIB 11 तो AIB 11 के अंदर CPC के ज्यादा कोई डिफिकल्ट सवाल नहीं है जो क्वेश्चन पूछे गए थे बहुत ही बेसिक तरीके से पूछे गए थे इनफैक्ट सिविल कानून ऐसा है अगर आपको सेक्शन डायग्नोस करना आता है या फिर आपको किसी ऑर्डर के किसी पर्टिकुलर रूल तक पहुंचना आता है तो आप क्या कर सकते हो आसानी से ओपन बैरेट के साथ में चीज को डील कर सकते हो अपने मस्तिष्क से एक चीज बाहर निकाल दो निकाल दो निकाल दो वो क्या कि बेरक लेके जाना है कि नहीं लेके जाना है तो लेके जा सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है इन्होंने हमको वार्निंग दी थी क्या वार्निंग दी थी देखो मैंने आपके इस अथॉन के अंदर एफ का पोर्शन दिया है इन्होंने वार्निंग दी थी कि भाई दो का सॉरी आपका ए आई जो होगा ए आई जो होगा उसके अंदर हम हो सकता है अलाउ ना करें किसी भी मटेरियल को इंक्लूडिंग बेर एक्ट हो सकता है लेकिन हाल फिलहाल तक इन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है नहीं कहा है और अब दिन बचे हैं आपके अठारह या बीस तो हो सकता है नहीं हो है ना बाकी तो देखो एडमिट कार्ड आने दो उसके अकॉर्डिंग है तो यहां पर लोकल एक्सप्लोरल जी बिल्कुल अभी तक आपका बेरेक्ट अलाउ है लेकिन ध्यान रखना बेरेट का मतलब बुक नहीं होना चाहिए आपके शॉर्ट कमेंट्री कमेंट्रीट्री जैसा कोई बेरेक्ट हो वो अलाउ है जो हो जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है बेरेट की लैंग्वेज अब जैसे मान लो कि नीचे इफेक्टिव डेट लिखी हुई है कोई सेक्शन नया इंसर्ट किया गया था नीचे फुट नोट में एक्स्ट्रा पॉइंट लिखा हुआ है वो भी अलाउ होगा देखो फुट नोट में और कमेंट में बहुत अंतर होता है फुटनोट में और कमेंट्री वाले बेरेक्ट में बहुत अंतर होता है अक्सर स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाता है कि जो फुटनोट दे रखा होता है फुटनोट क्या होता है जैसे ये बेरट का पेज है ठीक है अब इस बेरेड के पेज में सेक्शन फाइव के बारे में बता रखा है सेक्शन सिक्स के बारे में बता रखा है सेक्शन सेवन के बारे में बता रखा है और सेक्शन एट अब मान लो कोई नया सेक्शन इंसर्ट हो रखा था सिक्स ए करके और सिक्स ए के अकॉर्डिंग लिख दिया वन उसके वन लिख दिया और वन को नीचे इन्होंने फुटनोट में समझाया कि वन का मतलब है आपके दो का अमेंडमेंट एक्ट तो ये कहलाता है फुटनोट फुट नोट यानी कि नीचे का हिस्सा ये कमेंट्री नहीं है ये कमेंट्री नहीं होता है तो इसलिए ये बेसिकली क्या है अलउ है इसलिए आप प्योर बेरक लेके जाइए विदाउट कमेंट्री वाला कोई प्रॉब्लम उसके अंदर नहीं आने वाली है देखो अगर आपने बेरैक् कलरफुल कर लिया है ऐसा कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो मना करे भाई सीधी सी बात है अगर उनको ये कहना होता कि बेरेक जो स्टूडेंट के मार्क किए हुए हो तो हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे तो उनको स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा अब नहीं लिखा है ना तो मैं तो कह रहा हूं खुल के लेके जाओ और अगर उन्होंने आपको रोका इस बारे में तो खुल के चैलेंज करेंगे यूट्यूब पर हल्ला बोल करेंगे क्यों भाई आप लिखते हो नहीं एक्सप्लेन करते नहीं हो इतने सारे भारत के बच्चे परेशान हो रहे हैं दिख नहीं रहा है आप लोगों को ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कराने के लिए सबसे बड़ी अथॉरिटी बन के बैठे हो तो इसलिए आप घबराइए मत डंके की चोट पे लेके जाइएगा के अंदर आपके कोई वर्ड हाईलाइट कर रखे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है एडमिट कार्ड में स्पेशल इंस्ट्रक्शन आएगा तब देखेंगे ठीक तो, का का हाँ, तो वो मैं सजेस्ट नहीं करूंगा बाकी हाईलाइट किया हुआ है लिखा हुआ है वो डजेंट मैटर उससे कुछ खास फर्क है जो नहीं पड़ता मस्ती से लेके जाना मस्ती से लेकर जाइएगा बिंदाज हो जाओ इस पॉइंट ऑफ व्यू पर फिर भी अगर उन्होंने गड़बड़ की तो सबसे बड़ी गड़बड़ हम लोग करेंगे मिलकर करेंगे क्यों इतिहास गवाह है जो वकील खुद को न्याय ना दिला पाए वो दूसरों को क्या न्याय दिलाएगा सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में बता देना और नहीं तो खामोशी धारण करके बैठ जाना चलो भाई देखो यहां पर अपन ए आई बी इलेवन की बात कर रहे हैं ए आई बी इलेवन के अंदर जो सवाल सीपीसी के पूछे गए थे उनको हम कोशिश करते हैं शॉर्ट आउट करने की देखिए यहां पर आपके सामने अ डिक्री कैन बी अ डिक्री कैन बी पहले तो समझो देखो डिक्री होता क्या है बेसिकली <coughs> सिविल कानून के अंदर जब कोर्ट अपनी प्रोसीडिंग को कंप्लीट करता है यानी कि अगर वो किसी सूट के पूरी हीयरिंग को कंक्लूड कर देता है तो फाइनली जजमेंट पे पहुंचता है निर्णय पे पहुंचता है ठीक है उस जजमेंट के अंदर सारी बातों को डिटेल में लिखा जाता है डिटेल का मतलब कि भाई इस तरीके से इशू आए थे हमने ये ये इश्यू फ्रेम किए इस पार्टी ने ये कहा उस पार्टी ने वो कहा ये पार्टी ये सबूत लाई वो पार्टी वो सबूत लाई और फिर एंड में लिखते हैं कि निष्कर्ष ये निकलता है कि इसके फेवर के अंदर मामला जाना चाहिए ये है जजमेंट ठीक है अब ये जजमेंट बहुत बड़ी रामायण है इसमें से सेलेक्टिव पोर्शन को बाहर निकालना इसमें सेलेक्टिव पोर्शन को बाहर निकाला कि भाई मेन डिक्री किसके फेवर में आई किसके अगेंस्ट में आई उसको बोला जाता है आपका एक एबस्ट्रेक्ट फ्रॉम जजमेंट तो जजमेंट में से ही मेन पॉइंट को बाहर निकाला जाता है उसको क्या बोलते हैं उसको बोला जाता है ठीक है 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 ठीक ये क्या करती करती अब क्या होता है एक सूट के अंदर ध्यान से सुनना मेरी बात को एक सूट के अंदर एक से ज्यादा इश्यू हो सकते हैं किसी भी एक सूट के अंदर मल्टीपल इश्यूज मल्टीपल इश्यूज हो सकते हैं ठीक है मान लीजिए वहां पर आपके अलग अलग इशू जैसे इशू नंबर ए इशू नंबर बी इशू नंबर सी नंबर डी चार ऐसे इशू आ रखे तो अब क्या होता है कि, कि किसी पर्टिकुलर इश्यू पर किसी पर्टिकुलर इशू को कोर्ट डिसाइड करता है और दूसरा वाला इशू का डिस्पोजल पहले वाले पर डिपेंड करता है मेरी बात सुनना दूसरे वाले इश्यू का डिस्पोजल पहले वाले पर डिपेंड करता है ना ऐसे केस में जब तक पहले वाले को शॉर्ट आउट नहीं किया जाएगा दूसरे वाले का नंबर नहीं लगेगा दूसरे वाले इश्यू को आप सॉल्व नहीं कर पाओगे जब तक आप क्या नहीं नहीं करते करते पहले वाले को शॉर्ट आउट नहीं करते और ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे सामने जो सिचुएशन आती है उसको बोलते हैं प्रीलिमिनरी डिक्री यानी कि ये जो पहला वाला इशू है इसको हम सॉल्व करेंगे इसको हम कंक्लूड करेंगे अपने सेंस में इसको बोला जाता है प्रीलिमिनरी डिक्री यानी कि प्रीलिमिट डिग्री जनरली वहां पर आती है जहां पर मल्टीपल इश्यू फ्रेम हो रखे हो अगर सिंगल इश्यू फ्रेम हो रखा है और वही इश्यू पे शॉर्ट आउट हो रहा है तो फिर उसको प्रीलिमिट डिग्री के सेंस में हम नहीं कह सकते ठीक है वो बात आपके सामने आएगी तो ऐसे केस में डिग्री जो है और अच्छा मान लो चारों डिसाइड हो गए फिर फाइनल में जो डिग्री पास की जाएगी उसको बोलेंगे फाइनल डिग्री फाइनल डिग्री के बाद केस का वजूद खत्म ओके फिर वहां पर केस खत्म हो जाता है तो डिग्री कैसी होती है तो आपके सीपीसी के अंदर सेक्शन टू आता है सेक्शन टू में सब सेक्शन टू आता है जो इस शब्द को डिफाइन करने की सफल कोशिश करता है डिग्री हमेशा आपके फाइनल हो सकती है प्रीलिमिनरी हो सकती है है ना ओनली प्रीलिमिन नॉट फाइनल ये ऑप्शन गलत है आयदर प्रीलिमिनरी और फाइनल तो प्रिलिमरी भी हो सकती है और फाइनल भी हो सकती है एक और कॉन्सेप्ट होता है जिसको बोला जाता है डीम्ड डिग्री जिसको बोला जाता है डीम्ड डिग्री बेसिकली ये कोई अलग से डिग्री नहीं है वहां पर आपको मेंशन कर रखा है कि मान लीजिए कि भाई प्लांट को रिजेक्ट कर दिया गया ऑर्डर सेवन रूल इलेवन के तहत और या फिर आपके किसी मामले के अंदर उसका जो है एक तरीके से जो है सेक्शन के तहत वगैरह हो जाता है तो ऐसी सिचुएशन के अंदर उसको डिक्री के समकक्ष माना जाता है उसको डिक्री के प्रोविजन के इक्वेलेंट माना जाता है इसलिए उनको क्या कहा जाता है डीम डिक्री है जो कहा जाता है ठीक है ना ये बात आपके सामने एप्लीकेबल है जो हो जाएगी तो डीम डिग्री का भी आपको यहीं पर देखने को मिलेगा और डिग्री क्या नहीं होती ये भी तो कुल मिला के ये ये प्रोविजन प्रोविजन अच्छी बात है ये प्रोविजन जो है जो ना अपने आप में बड़ा ही इंटरेस्टिंग टाइप का प्रोविजन है ओके जी सर मैंने लिंकिंग चार्ट ऑर्डर किए थे लेकिन वो मेरे तक डिलीवर नहीं हुए हैं बाकी बल्कि रिटर्न हो गया तो शिवेश अचरे जी आप एक काम करो जो अपना लिंकिंग लॉ का सपोर्ट नंबर है उस सपोर्ट नंबर कहां मिलेगा लिंकिंग लॉ की वेबसाइट पे मिल जाएगा वहां पर पूर्ण डिटेल के साथ में एक व्हाट्सअप मैसेज डालो और फिर उस व्हाट्सएप मैसेज के अकॉर्डिंग रिक्वेस्ट कर लो कि सर मैम मेरे को या सर मेरे को ट्रैकिंग आईडी दे दो तो आपको जैसे ही ट्रैकिंग आईडी देंगे आप चेक कर लो फिर नजदीक के पोस्ट ऑफिस से कंफर्म कर लो बराबर समाधान निकालो समस्याएं बहुत है समाधान निकालते हैं हाँ जी फॉरन जजमेंट जो है आपको कहां दे रखा है तो पहले तो समझो कि भाई फॉरन जजमेंट होता क्या है ऐसा कोर्ट जो या तो इंडिया के आउटसाइड है, है ना जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट का एक तरीके से कनेक्टिविटी नहीं है

देखो जब भी आप आंसर देते हो ना तो आया आंसर खाली ऐसे मत दिया करो ए बी सी डी वो छोटे बच्चों वाले आंसर है हमेशा आंसर ऐसे दिया करो कि सर ट्वेंटी का मेरे अकॉर्डिंग वन होगा या ट्वेंटी नाइन का मेरे अकॉर्डिंग फोर होगा हर जगह पे ए बी सी डी टिका देते हो अब कई बार आप लेट देख रहे होते हो बाकी कैंडिडेट पहले देख रहे होते हैं तो फिर मामला मिक्सअप हो जाता है ओके हाँ कैन वी एक्सेप्ट दिस क्वेश्चन बिल्कुल एक्सेप्ट क्या आते ही हैं अरे भाई आपका जो सिविल जज का एग्जामिनेशन है उसके अंदर भी ये सवाल कई बार आ चुका है इट्स अ कॉमन थिंग ठीक है तो इसलिए मेरा सजेशन है कि अगर आप भले ही जुडिशरी के भी स्टूडेंट हैं तो भी आपको एआईबी के पेपर के माध्यम से एटलीस्ट वो सब्जेक्ट सॉल्व कर लेने चाहिए जो आपके सिलेबस से कनेक्टेड है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं तो फॉरेन जजमेंट क्या होता है तरीके से फॉरेन कोर्ट के द्वारा दिए गए जजमेंट फॉरेन कोर्ट के द्वारा दिए गए जो जजमेंट होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं फॉरेन जजमेंट है जो बोलते हैं अब यहां पर मैं आपको एक बात इंटरेस्टिंग और बताता हूं क्या फॉरेन जजमेंट को कंक्लूजिव माना जा सकता है फॉरेन जजमेंट को अपने आप में निष्कर्षपूर्ण माना जा सकता है तो यहां पर आपको सेक्शन थर्टीन और सेक्शन फोर्टीन के पॉइंट ऑफ व्यू को भी क्या करना पड़ेगा ऑब्जर्व है जो करना पड़ेगा गुड़िया खातून जी आप लिंकिंग लॉज वेबसाइट पर चले जाओ वहां पे मैंने आपके एग्जाम के सारे ऑप्शन दे रखे हैं आठ दिस का भी आपको मिल जाएगा सारी डील मिल जाएगी ठीक है हाँ जी तो ये सीधा सा ऑप्शन रहेगा यहाँ पर अगला सवाल देखिए इनमें से कौन सा सूट सिविल नेचर का देखो आपके सीपीसी के अंदर एक सेक्शन आता है वैसे हम सभी लोग जानते हैं कि सिविल प्रोसीजर कोड नाम से ही पता चल रहा है कि क्या करेगा सिविल मामलों को जो है डील करेगा अब सिविल मामला कहते किसको है तो शॉर्टकट में बता दूं ऐसा मामला जो प्रॉपर्टी से संबंधित हो या फिर ऐसा मामला जो इनकम से संबंधित हो अपने आप में क्या होता है एक तरीके से आपके जो है सिविल सूट कहलाता है अब ये पॉइंट क्यों जरूरी है मैं आपको बता देता हूं कि सीपीसी <coughs> में जो कोर्ट होते हैं उनको बोला जाता है सिविल कोर्ट ठीक है सिविल कोर्ट अब सिविल कोर्ट कौन से मामलों को डील कर सकते हैं तो उसमें लिखा हुआ है ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर ऑल सूट्स ऑफ सिविल नेचर तो जो सिविल नेचर के जितने भी वाद हैं उनको क्या कर सकता है सिविल कोर्ट डील है जो कर सकता है एक्सेप्ट या अनलेस एक्सप्रेसली और अगर उसको बार्ड कर रखा है अपवर्जित कर रखा है तो बात अलग है तो तो भाई उसको हम डील नहीं कर सकते barred कर रखा है या तो एक्सप्रेसली और या फिर इंप्लाइडली तब तो बात अलग है अदरवाइज सिविल कोर्ट जो है सिविल नेचर के सूट्स को डील कर सकता है अब सिविल नेचर का सूट कौन सा नहीं है इसने नेगेटिव सेंस में पूछा है तो देखिए राइट टू टेक आउट द जो आपके जुलूस निकालने का अधिकार होता है देखो जुलूस निकालने को आप यह समझो एक प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी के ऊपर आप जो है एक पर्टिकुलर एक्टिविटी करना चाहते हो तो अगर आपके पास प्रॉपर्टी को एंजॉयमेंट करने का अधिकार है तो इसका मतलब आपको जुलूस निकालने का भी अधिकार है वहां पर तो इन द सेंस क्या हो जाएगा यहां पर भी मैटर प्रॉपर्टी से इनडायरेक्टली कनेक्ट हो जाता है तो यस दिस वन इज राइट टू वर्शिप इन अ दिसम्पल मंदिर में पूजा पाठ करने का अधिकार बिल्कुल है सिविल नेचर के कैंगल से आ जाएगा और यहाँ पर लेकिन जो एक कास्ट और रिलीजन का अधिकार है जाति वगैरह का अधिकार है जाति वगैरह का जो राइट है ये आपके इसमें नहीं आता क्योंकि जो हमारा कानून है वो धर्म संप्रदायों से परे होता है ठीक है ये कोई आपके पर्सनल लॉ नहीं है ठीक है ऑफलाइन कंडक्ट होगा नम्रता जी ठीक है ऑफलाइन कंडक्ट है जो होगा और उसका एडमिट कार्ड इस तरीके से आपके सामने आएगा ऑनलाइन की हाल फिलहाल कोई संभावना है, नहीं दिख रही है ठीक है अप्लाई कौन से मामलों के अंदर डॉक्टर ऑफ रेस्ट जुडिकेटा अप्लाई होता है पहले तो इसको समझो कि रेस्टिकेटा है क्या देखो सीधी सी बात दो अलग अलग है दो अलग अलग पर्सन है दो अलग अलग पर्सन पे किसी सेम तरह का डिस्प्यूट है दोनों में क्या क्या डिस्प्यूट है है सेम नेचर का ठीक है थिके? तो इन्होंने एक कोर्ट में ये दोनों एक कोर्ट में गए और उस कोर्ट के अंदर मैटर को क्या कर दिया गया शॉर्ट आउट कर दिया गया डिस्पोज कर दिया गया डिसाइड कर दिया गया तो क्या वापस इसी मैटर को लेकर ये दूसरे कोर्ट के पास जा सकते हैं दूसरे कोर्ट के पास जा सकते हैं ठीक है ठिके? ये चले गए ये दोनों तो विद्वान प्राणी है ना चले गए पहले वाले ने पूछा है कि तुम्हारे पास पैसे है। क्या? है? पहले वाले में गए, अपना मामला डिसाइड करा फिर दूसरे कोर्ट में आ गए वहां पर भी तुम कोर्ट फीके करो क्या तुम्हारे पिताजी ने परदादा जी ने ज्यादा पैसे छोड़ रखे है क्या तो बोलता है हाँ मेरे पास बहुत पैसा है तो कोर्ट कहता है बहुत पैसा है तो भी सेक्शन इलेवन पढ़ के आ सेक्शन इलेवन सीपीसी पढ़ के आओ और उसमें क्लियर लिखा हुआ है कि वंस अ मैटर हैज बीन फाइनली हर्ड एंड एंड डिसाइडेड इज सब्सटेंशियली जो है और डायरेक्टली इश्यू होता है सेम केस के अंदर तो उसको वापस नहीं डील किया जा सकता सेक्शन इलेवन ये बात करता है और यहां पर क्या हो जाएगा इस सिचुएशन के अंदर फिफ्टी फोर में रैश टू क्या होता है सूट को डिसमिस करता है स्टे करता है तो वो दूसरे वाले सूट को डिसमिस कर देगा बार्ड करने का मतलब अगर एक्सेप्ट भी कर दिया ना तो उसको क्या कर देंगे, है जो कर देंगे तो इसका आंसर होगा तो स्टे करने का मतलब अभी भी संभावना है पॉसिबिलिटी है कि वही कोर्ट उस केस को वापस बाद में रिज्यूम कर दे लेकिन सेक्शन इलेवन के अंदर स्टे वाला कोई फंडा नहीं है स्टे वाला फंडा कहां आता है सुन लीजिए वाला फंडा आपके आता है यहां पर मैं आपके सामने दो सिचुएशन बताता हूं दोनों को समझने की कोशिश है जो कीजिएगा मेरा मन में एक सवाल आ रहा है सवाल क्या रहा है खुजली आ रही है कि मैं आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही बताऊं चलो तैयार हो जाओ कुछ नया करते हैं कुछ तूफानी करते हैं देखो अभी आपने थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा कि भाई सेक्शन नाइन क्या कहता है सेक्शन नाइन ही कहता है कि जो आपका सिविल कोर्ट है सिविल कोर्ट है वो क्या कर सकता है ऑल मैटर ऑफ सिविल नेचर जितने भी सिविल नेचर के सूट हैं, उनको डील है जो कर सकता है ठीक है ये सेक्शन नाइन ने कहा लेकिन साथ ही साथ सेक्शन नाइन ने ये भी कहा एक्सेप्ट ऐसे सूट जो कि क्या हो बाढ़ हो। जैसे सूट क्या हो जो कि अपने आप में बाढ़ हो अब मैं आपको मजेदार बात बताता हूं कि बाढ़ वाले शब्द को आपको तीन भागों में डिवाइड करना चाहिए इसका बाढ़ के तीन एग्जाम्पल पहला एग्जाम्पल सेक्शन नंबर इलेवन रेस्टीटर क्या करता है बाढ़ करता है सेक्शन ट्वेल्व सेक्शन ट्वेल्व क्यों आएगा आप ध्यान से देखो सेक्शन ट्वेल्व में ये लिखा हुआ है कि अगर कोई सूट किसी रूल्स के तहत बाढ़ हो जाता है तो उसको कोर्ट नहीं सुनेगा सेक्शन ट्वेल्व आ जाएगा आपके सामने और फिर आपके सेक्शन थर्टीन फोर्टीन को कंक्लूसिव अगर आप पढ़ोगे सेक्शन थर्टीन फोर्टीन का कंक्लूसिव मतलब पढ़ोगे अगर हमने किसी फॉरेन जजमेंट को कंक्लूसिव मान लिया तो इसका मतलब क्या हुआ कभी सोचा आपने इसका मतलब यह हुआ कि उसको हम उसी तरीके से ट्रीट करेंगे कि जैसे वो इंडिया के अंदर फाइल होने वाला सूट था और उसका जजमेंट आया हो और जजमेंट कंक्लूसिवली केस को डिसाइड करना फॉरेन जजमेंट को कंक्लूसिव मानने का मतलब यह हो जाएगा कि उसको इंडियन सूट की तरह तवज्जो देनी है और वहां पर रैशिकेटा एक तरीके से एप्लीकेबल हो जाता है तो इन तीनों मामलों के अंदर यहां पर यहां यहां पर यहाँ पर आपके क्या हो रहा है बेसिकली सूट बाड हो जाता है ठीक लेकिन इसके अगेंस्ट में इसके अगेंस्ट में आप सेक्शन टेन को पढ़ोगे तो यहां पर थोड़ा कॉन्सेप्ट अलग है यहां पर सूट बाढ़ नहीं होता है यहां पर हम दूसरे वाले सूट को एक बार के लिए स्टेचू कर देते हैं वो बर्फ पानी खेला करते थे आप आइस वाटू आइस वाटर सॉरी बर्फ पानी खेला था नहीं खेला था अच्छा तुम तो कहां खेलते थे तुम तो ना नदी के अंदर समुद्र बना के उड़ा करते थे नहीं सर नदी में समुन्द्र कैसे बनाएंगे और बनाएंगे तो उसमें उड़ेंगे कैसे वो मेरे को नहीं पता अरे ये, ये मेरे जोरिस्ट्रिक्शन में नहीं है ये मेरे जोरिस्ट्रिक्शन में आ जाओ अंडर सेक्शन सिक्सटीन सीपीसी के अंदर तो पहले देखो एक बात सुन लो भाई एक बात सुन लो आप चाहे सीपीसी को पहली बार पढ़ रहे हो या बार बार पढ़ रहे हो एक पॉइंट बड़ा क्लियर है आपको रेंज पता होनी चाहिए सिविल प्रोसिक्यूट कोड के अंदर अंदर का कंटेंट नहीं पता इट्स ओके okay, कोई बात नहीं लेकिन अगर आपको ये नहीं पता कि उसकी रेंज कहां पर है तो मामला गड़बड़ है तो वहां पर मामला क्या है गड़बड़ है यह आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा अब यह बात मैं क्यों कह रहा हूं कि हमारे पास में एक वर्ड आता है प्लेस ऑफ स्विंग क्या वर्ड आता है प्लेस ऑफ स्विंग वाद लाने का स्थान अब इसके बारे में आपको सेक्शन 15 से लेकर 20 तक एक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगी 15 से 20 में आपको यह रखा है कि कौन से कोर्ट के अंदर सूट इंस्टीट्यूट होना चाहिए फिर इसके संबंध में अगर आपको ऑब्जेक्शन फाइल करना है तो 21 ऑब्जेक्शन फाइल नहीं किया तो नया सूट आप उसके रिगार्ड में फाइल नहीं कर पाओगे ट्वेंटी ए और फिर अगर आप इसको ट्रांसफर करना चाहते हो तो ट्वेंटी टू से लेकर ट्वेंटी फाइव है ना ये प्रोविजन यहां पर आपको बेसिकली देखने को मिलेंगे ठीक तो पंद्रह से लेकर ये जो 25 तक का मामला है ये पूरा का पूरा बक्सा जो है वो एक पॉइंट से कनेक्ट होता है दैट इज प्लेस ऑफ स्विंग ठीक है अब यहां पर क्या होगा यहाँ पर इसने कहा है सेक्शन 16 जो कि इसी में से प्रॉपर्टी से संबंधित है? है तो यह बात कह रखी है और वेरी गुड आप में से कई लोगों ने आंसर भी करेक्ट है जो कर रखा है सुलेखा चौधरी जी वगैरह देख पा रहा हूं तो फर्स्ट आंसर विल बी द करेक्ट वन ठीक है लेकिन जब आप सेक्शन सिक्सटीन को पढ़ते तो सेक्शन 16 के अंदर जो है आपको क्लॉज ए क्लॉज बी क्लॉज सी क्लॉज डी क्लॉज ई क्लॉज एफ छह अलग अलग पॉइंट आपको दे रखे हैं अब वहां पर जब सेक्शन 16 के उन पॉइंट्स को पढ़ोगे तो उसमें कुछ पॉइंट कंपेंशेशन के संबंध में भी है और जब कंपेन्शन के संबंध में है तो वो बात आपके सामने एप्लीकेबल है जो हो रही है सर रेस्ट सेशन अन पर आ रहा है क्या बिल्कुल सागर जी साढ़े नौ बजे जो लाइव होगा आपके वो अन अकेडमी एप पर होगा बट वो फ्री ऑफ कॉस्ट है कोई भी देख सकता है अच्छा अगले सवाल पर आ जाते हैं प्लीडिंग का मतलब क्या होता है देखो प्लीडिंग यानी कि आपके ऑर्डर नंबर सिक्स के रूल वन में इसको डिफाइन कर रखा है प्लीडिंग अभिकथन का मतलब होता है ऑर्डर सेवन या ऑर्डर एट ऑर्डर सेवन या ऑर्डर एट ऑर्डर सेवन में लिखा रहता है प्लांट तो प्लीडिंग का मतलब क्या आ जाएगा प्लेट और ऑर्डर एट में लिखा हुआ है रिटर्न स्टेटमेंट तो प्लीडिंग का बेसिक सा मतलब होता है प्लेट और रिटर्न स्टेटमेंट प्लांट या फिर रिटर्न स्टेटमेंट जो है वो आपके प्लीडिंग का मतलब हो जाएगा तो yes. अच्छा, मेमोरेंडम अपील, अपील फाइल करते हो क्या उसको भी प्लीडिंग कह सकते हैं ध्यान रखना नहीं कह सकते प्लीडिंग हमेशा आपके ओरिजिनल सूट के अंदर होती है ठीक है ओरिजिनल सूट के अंदर होती है ठीक है ना चलो भाई अगले सवाल पर आ जाते हैं ऑन फेलियर टू फाइल ए रिटर्न स्टेटमेंट देखो रिटर्न स्टेटमेंट किसको फाइल करना पड़ता है डिफेंडेंट को फाइल करना पड़ता है प्रतिवादी को फाइल करना होता है तो अगर डिफेंडेंट ने क्या नहीं किया रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं किया मैं आपको थोड़ा सा सिचुएशन समझाता हूं होता क्या है देखो अब ये बंदा है ये है पीड़ित व्यक्ति इसको कोर्ट से चाहिए न्याय तो ये क्या करेगा ये कोर्ट में ये कोर्ट में जाएगा एक डॉक्यूमेंट लेके उस डॉक्यूमेंट को बोलते हैं प्लांट उसको क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे अपन प्लांट वाद पत्र जब ऑर्डर सिक्स और ऑर्डर सेवन की कॉम्पलायस हो गई हो तो, तो कोर्ट फिर इसको जो है न, दूसरे वाले व्यक्ति को दूसरे वाले व्यक्ति कोर्ट जो है एक रिटर्न डॉक्यूमेंट भेजेगा उसको कहा जाता है क्या बोलते हैं उसको उसको बोलेंगे समन उसको समन भेजेगा ऑर्डर फाइव के तहत कब जब कोर्ट ने ऑर्डर फोर में सूट इंस्टीट्यूट किया है तो फिर ये जो बंदा है ना इस बंदे के पास में चॉइस है कि वो क्या करेगा कोर्ट के अंदर रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करेगा और ये रिटर्न स्टेटमेंट ऑर्डर एट में फाइल हो रहा है तो अब अगर इस स्टेज पर इसने रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं किया

तो यहां पर क्या होगा इस केस के अंदर देखो ऑर्डर एट आपके रिटर्न स्टेटमेंट से कनेक्ट होता है सीधा सा पॉइंट यहां पर आपके बीच में आ जाएगा तो कोर्ट क्या कर सकता है कोई भी निर्णय सुना सकता है कोई भी आदेश अपने लेवल पे कर सकता है तो यहां पर सीधा सा एग्जाम्पल जो हम कहने वाले हैं वो क्या करेंगे कि कोर्ट की पावर अच्छा एक बात मैं आपको और बताता हूं आपको पता है एक तो होता है पार्टी का अपियर नहीं होना वो एक अलग सेगमेंट चला जाता है और पार्टी के द्वारा रिटर्न स्टेटमेंट फाइल नहीं करना वो एक अलग सेगमेंट चला जाता है तो कोर्ट कैन डू एनी ऑफ द बॉ इनमें से कोई भी कर सकता है ऑर्डर पास कर सकता है डिक्री, आपके जो डिफेंस है 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 उसको स्ट्राइक ऑफ कर सकता है। तो ना पे सारी बातें आप एप्लीकेबल हो सकती है अगला सवाल है प्रोविजन ऑफ सेक्शन एटी ऑफ सी आर बाइंडिंग ऑन यहाँ पर आपके सामने जो सेक्शन एटी है उसके प्रोविजन किसके ऊपर बाइंडिंग रहते हैं तो ये सवाल आपसे पूछा गया अब मैं आपको फिर से छोटी सी कहानी बता रहा हूं मैं बार बार आपको कहानी इसलिए बता रहा हूं ताकि ये चीजें आपको कभी भी दिमाग से भूले नहीं थैंक यू सो मच दिनेश जी आपका कमेंट्स में देख पा रहा हूं अच्छा लगता है जब आप लोग प्रयासों को रेकग्नाइज करते हो देखो भैया एक टीचर भी ह्यूमन ही होता है आखिर है तो वो भी एक इंसान तो जब इंसान किसी चीज के बारे में अपने कर्म के बारे में वापस दूसरे लोगों से सुनता है ना तो अच्छा लगता है ओके और मैं इस चीज का एक्सेप्शन नहीं हूं जी वापिस आ जाते हैं आगे पर ओके सो यहां पर मैं क्या कह रहा हूं कि इस पॉइंट को समझिए कि बेसिकली सेक्शन 80 का सेगमेंट कहां पर आता है तो जो राज्य सरकार होती है फिर जो केंद्र सरकार होती है तो उनके खिलाफ भी सिविल सूट फाइल किया जा सकता है क्या यस ठीक है हमारे पास सीपीसी के अंदर एक अलग से ऑर्डर 27 भी है और एक अलग से आपके सेक्शन 79 80 81 82 ऐसे प्रोविजन भी है ठीक है तो 79 के अंदर जो तो टाइटल के बारे में बात कर रखा है सेक्शन एटी कहता है कि अगर कोई व्यक्ति राज्य सरकार के विरुद्ध कार्रवाई करना चाहता है तो उसको दो महीनों का नोटिस देना पड़ता है दो महीनों का नोटिस देना पड़ता है तो क्या सीपीसी के ये प्रोविजन जो है वो किसी के ऊपर बाइंडिंग है क्या बाइंडिंग नहीं है बाइंडिंग क्यों नहीं है क्योंकि इसके अंदर एक एक्सेप्शन भी दे रखा है कुछ विशेष मामलों के अंदर जहां पर आपके इमरजेंसी हो वहां पर आपको नोटिस वोटिस देने की फॉर्मेलिटी से एग्जेम किया जा सकता है तो ये कहना कि ऐसे केसेस के अंदर यह बाइंडिंग है बाइंडिंग वाला इंपैक्ट हम यहां पर नहीं कहेंगे ओके चलो आगे बढ़ते हैं यहां पर अच्छा एक और चीज यहां पर है दो महीने और जब मान लो कोई डिक्री आ जाती है राज्य सरकार के विरुद्ध और उसको अगर आपको एग्जीक्यूट करवाना है तो आपको तीन महीने वेट करना पड़ेगा

तो ध्यान रखेंगे टेंपररी इंजेक्शन एक्स पार्टी भी हो सकता है शिओ मोटो नहीं हो सकता है कोर्ट को बैठे बैठे खलबली मच गई है ना और उसने रणवीर सिंह का गाना लगा लिया खली बली हो रहा है वो ना खली बली हो रहा है दिल, तो ऐसा करने लग गया नहीं तो कोर्ट की मर्जी से चीजें नहीं होगी कोर्ट की मर्जी से चीजें है जो नहीं होगी एक्स पार्टी मतलब को अप्लाई करना पड़ेगा उसके बाद ही वहां पर क्या आ सकता है टेम्प्रेरी इंजेक्शन जो है जारी हो सकता है अदरवाइज नहीं हो सकता ठीक है तो आपका आंसर क्या होगा एक्स पार्टी किया जा सकता है अच्छा टेम्प्रेरी इंजेक्शन के संबंध में आप सीपीसी का ऑर्डर थर्टी नाइन रेफर कर सकते हो टोटल फिफ्टी वन ऑर्डर में से आप फिफ्टी थर्टी नाइन ऑर्डर रेफर कर सकते हो और इसका कनेक्शन जो जुड़ता है इसकी जो लिंकिंग जुड़ती है वो आपके सेक्शन नाइन फोर के साथ कनेक्ट है जो होती है अगला सवाल ये जो राइट टू अपील है ये कैसा अधिकार है? Right to appeal जो है, वो कैसा अधिकार अधिकार है 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 राइट टू अपील जो वो तो ये एक कानून से प्राप्त अधिकार है कानून से प्राप्त अधिकार है कानून को क्या बोलते हैं कानून को लॉ बोला जाता है लॉ का सिनोनिम होता है इंस्टीट्यूट लॉ का सिनोनिम क्या होता है इंस्टीट्यूट यानी कि

Natural का मतलब प्राकृतिक इनहेरेंट का मतलब अंतर्निहित वैधिक और प्रत्याहित हिंदी के लिए मैं देखो कुछ एक पॉइंट को मैंने हिंदी में कन्वर्ट करवाया है कुछ पॉइंट हिंदी के अंदर पेंडिंग रह गए ठीक है मैं आपसे फिर से कहना चाहता हूँ और बॉडी डिग्निटी के साथ कहना चाहता हूँ मेरा इंटेंशन नहीं था एआईबी को डील करवाने का बट पता नहीं आप लोगों की बात को मना नहीं कर पाए

चीजें घुमा फिरा के रिपीट होती है अगर हमने किसी एक पॉइंट पर चीजों को बेहतर तरीके से कंप्लीट है जो कर दिया है तो कहीं ना कहीं जो है वो पॉइंट हमारे लिए क्या हो जाता है आसान है जो हो जाता है ठीक है तो सेक्शन टेन किसके बारे में बात करता है सेक्शन टेन बार में करता है स्टे ऑफ द सूट अब यहां पर एक पॉइंट और याद कर लो इसको लेटिन भाषा में रेस सब जुड़ीस भी कहते हैं क्या बोलते हैं रेस सब जुड़िस भी कहा जाता है सेक्शन टेन को इसमें क्या है कि भाई एक में मैटर ऑलरेडी चल रहा है डिसाइड नहीं हुआ है ऑलरेडी चल रहा है सिमिलर मैटर किसी और कोर्ट के अंदर में कर दिया गया है तो जो दूसरा वाला कोर्ट है नीलू आजमी जी जो दूसरा वाला कोर्ट है वो क्या करेगा उसको स्टे कर देगा उसको स्टे कर देगा डिसमिस नहीं करेगा स्टे करेगा स्टे करने का मतलब है कि बाद में हो सकता है वापस रिज्यूम कर दिया जाए ठीक है आपको पता है जब रेस सब जुडीज एक बार लागू हो जाता है तो उसके बाद दो में से कोई भी एक ऑप्शन एप्लीकेबल होता है पहला ऑप्शन मान लीजिए पहले वाले कोर्ट ने सूट को डिसाइड कर दिया तब तो यहां पर ये जो रैप सब जुड़ी जाए कन्वर्ट हो जाएगा जुड़ी काटा में यानी कि ये आपके सेक्शन 11 में कन्वर्ट हो जाएगा ये आपके सेक्शन 11 के अंदर क्या हो जाएगा कन्वर्ट है जो हो जाएगा ठीक है अदरवाइज क्या होगा अदरवाइज जो आपके जिस प्रोसीडिंग को हमने स्टे किया था ना उसी प्रोसीडिंग को हम वापिस रिज्यूम भी कर देंगे अगर वो पहले वाले मैटर के अंदर किसी कारण से पहले वाला सूट अगर डिसमिस हो जाता है तो ठीक है हाँ जी सर आप बहुत अच्छे हैं एक बार में मेरी बात रख लिए थैंक यू बिल्कुल रखेंगे डियर नाउ अब आगे बढ़ते हैं यहां पर इनमें से कौन सा डील्स विद द प्लांट इन द इंटरप्लीडर सूट ठीक है इसको बोलते हैं इंटरप्लीडर अंतरा विराची वाद क्या बोलते हैं इसको अंतरा वाद है जो कहा जाता है देखो ये जो तकनीकी शब्द है ना मैं यहाँ से सभी स्टूडेंट को कहना चाहता हूँ कि अगर आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो भी आपको हिंदी के तकनीकी शब्द आने चाहिए और अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो भी आपको अंग्रेजी के टेक्निकल वर्ड्स का नॉलेज होना चाहिए ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्यों क्योंकि कहीं न कहीं जब आप जज बनेंगे या वकालत करेंगे एडवोकेसी करेंगे तो करेंगे तो लोअर कोर्ट के अंदर और भारत के आधे से ज़्यादा लोअर कोर्ट जो हैं वो हिंदी भाषी होते हैं ठीक है और मान लीजिए आप किसी ऐसे स्टेट में जहां पर इंग्लिश का ही मामला चल रहा है तो भी उस केस में आपके लिए बहुत जरूरी है जो रहेगा वो ओके तो दैट्स अभी जो एक अल्फा लिंकिंग आपके बीच में मैंने निकाला है ना आपके अल्फा लिंकिंग चार्थ. उसमें मैंने एक छोटी सी कोशिश की है अल्फा माइनर अमेंडमेंट तो उसमें मैंने कोशिश की है आप अपने स्तर पर भी कर सकते हो आपको चार्ट नहीं मंगवाना मत मंगाओ आप अपने स्तर पर भी कर सकते हो करना चाहो तो उसमें मैंने ए टू जेड ए टू जेड जितने भी ऐसे वर्ड्स हैं जो रेगुलर हमारे लॉ की भाषा में इस्तेमाल होते हैं खास कर जुडिश के सिलेबस में इस्तेमाल होते हैं उनको मैंने कवर किया है लिंकिंग के साथ में और साथ साथ उनके हिंदी अर्थ के साथ में ताकि आप लोगों का थोड़ा बाइलिंगल डेवलपमेंट हो सके दो चार्ट इसके अंदर इसमें लेटिन मैगजीन भी कवर्ड हो रखी है और लीगल डॉक्टि भी कवर्ड हो रखा है तो मेरे ख्याल से अगर आपको अप्रोप्रिएट लगे तो आपको उन चार्ट से क्या करना चाहिए खुद को प्रिपेशन प्रिपेयर करना चाहिए मेडिटेट करना चाहिए देखो छोटी छोटी चीजें हमें कॉम्पिटेंट पर्सन बनाती है और जरूरी है तो इंटरप्रेटर सूट आपको कहां पे दे रखा है तो देखो ऐसे सवालों में हमें सीधा ऑब्जर्व करना है ऑर्डर ट्वेल्व आपके एडमिशन के बारे में बात करता है ऑर्डर ट्वेल्व एडमिशन के बारे में ऑर्डर सेवनटीन आपके एक्जोनमेंट के बारे में बात करता है स्थगन करना ऑर्डर थर्टी थ्री आपके जो गरीब व्यक्ति होता है इनडिजेंट पर्सन उसके बारे में बात करता है ऑर्डर फोर्टीन जो है वो आपके इंटरप्लीटर सूट के बारे में बात करता है ठीक है इंटरप्लीटर सूट का मतलब होता है ऐसे व्यक्ति के द्वारा सूट फाइल किया जिसका बेसिक्ली, जिसका बेसिकली बेसिकली क्या है कनेक्शन नहीं है जिसका बेसिकली क्या है उस पार्टी में इंटरेस्ट नहीं है वो सिर्फ कोर्ट से ये जानना चाहता है कि साहब ये प्रॉपर्टी जो मेरे पोजिशन में है, ये मैं किसको दू इसको दू या उसको दू है ना ये जानने के लिए वो क्या करता है सूट है जो फाइल करता है ठीक है तो इसको बोलते हैं इंटरप्लेडर शूट ऑर्डर थर्टी फाइव में दे रखा है बराबर इस बेचारे के साथ बहुत गलत होता है पता है जब ये सूट इंस्टीट्यूट हो जाता है ना तो कोट एक कोर्ट जो है एकदम रोनाल्डो मैसी बन जाता है रोनाल्डो मैसी पता है बहुत शानदार फुटबॉलर है ये तो कोर्ट जो है रोनल्डो मैसी बन जाता है और धड़ाम से उसको किक मार के बेचारे को बाहर फेंक देता है किसको इंटरप्लेडर को अब ऐसा क्यों होता है तो भाई पुराने कर्मों का दोष है क्या कर सकता है ऐसा नहीं है इसलिए होता है क्योंकि उसका प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट है नहीं इसलिए उसको हटाओ उसको उसका खर्चा पानी दे दो और जो पार्टीज के बीच में एक्चुअल में डिस्प्यूट है उनको वापस मेन पार्टी बनाओ इसलिए हम उसको क्या करते हैं किकआउट है जो करते हैं ठीक है ना चलिए सेक्शन 148 ए रणजीत जी एक कैवेट का प्रावधान है जहां पर अगर किसी व्यक्ति को लगे कि भाई मेरे खिलाफ

जजमेंट शुड बी डिलीवर टू पार्टीज और टू द्लेडर इन द ओपन कोर्ट जब भी कोई जजमेंट होता है वो ओपन कोर्ट के अंदर होना चाहिए और साथ किस तरीके से आप जजमेंट को डिलीवर कर सकते हो तो देखो हमारे पास है जजमेंट को डिलीवर करने का एक तरीका होल जजमेंट पूरा का पूरा जजमेंट डिलीवर कर दो या फिर जो जजमेंट है उसको पूरा का पूरा आप रीड आउट करके या तो डिलीवर करो या पूरा का पूरा रीड आउट कर लो और या फिर क्या कर लो उसके ऑपरेटिंग पार्ट को रीड आउट कर लो और कॉपी अवेलेबल करवा दो तो ये तीनों तरीके होते हैं जजमेंट के संबंध में वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जजमेंट एंड डिक्री इसको लेकर सेक्शन थर्टी थ्री सीपीसी का सेक्शन थर्टी थ्री जो है एक तो वो डील करता है सेक्शन थ्री थ्री और साथ ही साथ में जो आपका ऑर्डर ट्वेंटी है वो डील करता है इन दोनों केसेस में जजमेंट की बात आ रही है और ये जो ओपन कोर्ट वाला शब्द है ना, कि कोई भी, आ, सिविल कोर्ट मोटा मोटी रूप से आपको कर हैं और हो सकता है एग्जाम के अंदर रिपीट होके आए बराबर तो ऑर्डर ट्वेंटी किसमें डील करता है देखो मेरा मन ये कहता है पता नहीं क्यों कहता है बट कहता है, ये कहता है कि आप लोगों को ऑर्डर नंबर तो एकदम टिप्स पे होने चाहिए ऑर्डर वन में पार्टीज ऑफ सूट ऑर्डर टू के अंदर आपके आ, जो फ्रेमिंग ऑफ सूट है ऑर्डर थ्री के अंदर रेकग्नाइज एजेंट और प्लीडर की बात है ऑर्डर फोर के अंदर इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट है ऑर्डर फाइव तो 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 में समन की फॉर्मेलिटी ऑर्डर सिक्स में प्लीडिंग का प्रोविजन है ऑर्डर सेवन के अंदर समन की आपके प्लान के बारे में बात करता तो है ऑर्डर एट रिटर्न स्टेटमेंट के बारे में बात करता है ऑर्डर नाइन पार्टीज के अपीयरेंस डिसअपियरेंस के बारे में बात करता है ऑर्डर टेन पार्टीज के एग्जामिनेशन के बारे में बात करता है इंटरोगेटरीज के बारे में ऑर्डर इलेवन डील करता है एडमिशन के बारे में ऑर्डर ट्वेल्व डील करता है ऑर्डर थर्टीन आपके प्रोडक्शन के बारे में बात है जो करता है ऑर्डर फोर्टीन आपके सूट के अंदर जो फ्रेमिंग होती है उसके बारे में बात करता है ऑर्डर फिफ्टीन फर्स्ट हियरिंग पर सूट के डिस्पोजल के बारे में डील करता है सिक्सटीन आपके समन टू विटनेस के बारे में बात करेगा सिक्सटीन ए अगर कोई व्यक्ति जेल में बंद है उसको बुलाने के बारे में बात करता है सेवनटीन में एडजॉनमेंट एटीन के अंदर पार्टी विटनेस का एग्जामिनेशन 19 के अंदर एफिडेविट 20 के अंदर जजमेंट 21 के दर, के के अंदर 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 एग्जीक्यूशन ऑफ द डिक्री 22 आपके डेथ हो आप हो हो आपकी इंसॉल्वेंसी मैरिज जाए उन मामलों के दर, क्या होगा 23 के अंदर विड्रॉल और कॉम्प्रोमाइज के मैटर आ जाएंगे 24 के अंदर आपके पेमेंट इंटू को ट्वेंटी के अंदर जो कॉस्ट होती है सिक्योरिटी की उसके बारे में बात है जो कर रखा है ट्वेंटी में आपके कमीशन के बारे में जिक्र मिल रहेगा आपको ट्वेंटी में आपको जो आपके स्टेट गवर्नमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट उनके संबंध बात आ रही है ट्वेंटी के अंदर आर्मी नेवी का मैटर आ रहा है 27 ए के अंदर आपके कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की बात होती है 29 में कॉर्पोरेशन आ जाता है 30 के अंदर फर्म 31 में ट्रस्टी 32 के अंदर आपके आपके जो बच्चे हैं अनसाउंड माइंड है या फिर जो कोई माइनर व्यक्ति उसके बारे में 33 में इनडिसेंट पर्सन आ रहा 34 के अंदर आपके मॉर्गेज की प्रोविजन आ जाएंगे फोर क्लोजर के बारे में या फिर रिडेंप्शन के बारे में सेल के बारे में 35 में इंटरप्लेटर सूट आ जाता है 37 के अंदर समरी प्रोसीडिंग है या फिर थर्टी एट में आपके अरेस्ट है अटैचमेंट बिफोर जजमेंट है थर्टी नाइन में टेम्पर इंजेक्शन इंटरलोकेट्री ऑर्डर है ऑर्डर फोर्टी के अंदर अपॉइंटमेंट ऑफ रिसीवर फोर्टी वन से फोर्टी फाइव में जो आपके अपील के प्रोविजन है ऑरिजिनल डिक्री के खिलाफ अपील फोर्टी वन के अंदर अपील डिक्री के खिलाफ अपील फोर्टी टू के अंदर अपीलेबल ऑर्डर कौन कौन से होते हैं फोर्टी थ्री है इंडिजेन पर्सन के बारे में अपील के प्रोविजन फोर्टी फोर के अंदर फोर्टी फाइव में सुप्रीम कोर्ट के अपील फोर्टी सिक्स फोर्टी सेवन रेफरेंस और रिव्यू स्मॉल कॉज कोर्ट एक्सेट्रा फोर्टी नाइन ऑनवर्ड्स तो ये ऑर्डर नंबर जो है ना मुझे ऐसा लगता है कि आपको याद होने चाहिए क्योंकि ये आपको सीधा नंबर या तो देंगे या लेंगे या तो बोलेंगे कि गुलाब जामुन खा ले और नहीं खाओगे तो आपसे छीन के खा लेंगे इसलिए आपको क्या करना है ये एक बात टिप्स पे करनी है आखे बंद करो मैं आपको तरीका बता रहा हूं आंखें बंद करो लिंकिंग चार्ट के सामने खड़े हो जाओ और गुनगुनाओ कोशिश करो खुद से बात करने की ऑर्डर वन में क्या है ऑर्डर टू में जहां पर अटको चिटिंग करो आंखें खोल दो देख लो अच्छा ऑर्डर फाइव फिर आंखें बंद कर दो फिर स्टार्ट हो जाओ फिर जहां बैठ को आके खोल दो करते थे कि नहीं करते ऐसे पढ़ते पढ़ते अच्छा इसमें ये लिखा फिर आके बंद कर दी ऑर्डर सेवन एट नाइन इलेवन के अंदर फिर आके खोल के कर लिया ये तुमको आता है अरे चेटिंग करना तो बहुत अच्छे से आता है मेडिटेशन बोलते हैं इसको फॉलो दैट इट्स माई लिंकिंग चार्ट वाला अगर आपने मेडिटेशन अपनी आदतों में डाल दिया और सिर्फ दो महीने आपने ये आदत अपनी फितरत में कन्वर्ट कर दी तो फिर आपको जज बनने से कौन रोकता है मुझे बता क्योंकि कहीं कही ना कहीं जो है प्रोविजन का सारा खेल होता है प्रोविजन आता है ना तो उसके अंदर कंटेंट कंट पढ़ने का मन करता है करेक्ट चलिए आगे बढ़ते हैं यहां पर सेक्शन 34 ऑफ सीपीसी किसके बारे में बात करता है तो 34 के अंदर आपके पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट की बात की गई है ठीक है इंटरेस्ट का पेमेंट जो होता है इसके अंदर दो तरह के आपके इंटरेस्ट होते हैं एक प्री वे पीरियड का होता है एक ड्यूरिंग द सूट जो पीरियड होता है वो होता है तो ये सारी चीजें वहां पर आपको देखने को मिलती है चार्ट कहां मिलेंगे अरे एक ही तो ठिकाना है आप लिंकिंग लॉ यूट चैनल देख रहे हो डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट लिंक आप सबकी वेबसाइट है जिसमें मैंने फ्री कंटेंट डाल रखा है बहुत सारा वहां पर एक ऑप्शन है लिंकिंग पब्लिकेशन उसके अंदर आपको लिंकिंग चार्ज वगैरह का ऑप्शन है जो देखने को मिल जाएगा तो पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में सेक्शन 34 आपका है जो क्या करता है स्पेसिफिकली डील है जो करता है अकॉर्डिंग टू क्लॉज वन टू एंड थ्री ऑफ द सेक्शन 145 ऑफ सीपीसी

में ओनली गिव चार्ज चार्ज का मतलब पता है क्या होता है कि आपकी प्रॉपर्टी पर आप एक तरीके से क्या करते हो बार है जो क्रिएट करते हो आपकी प्रॉपर्टी पर आप एक तरीके से चार्ज क्रिएट करते हो वो चीज आपके इसके अंदर कवरेज हो जाती है और तीसरा पॉइंट क्या है यहां पर ही में अंडरटेक एंड चार्ज इज प्रॉपर्टी तो पर्सनल लाइब्रेटी ले सकता है और हिस्स प्रॉपर्टी एजर्दर चार्ज तो वहां पर इसका ऑप्शन क्या होगा इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ दु कर सकता है ठीक है पर्सनल लाइब्रिटी भी ले सकता है दोनों दोनों कर सकता है और ये वाला ये वाला ऑप्शन ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर सेक्शन 145 के तहत ये सेगमेंट आपके सामने आएगा ठीक है देखो आपको एक बात बताऊं पढ़ाई के अलावा भी कुछ चीजें सीख लिया करो बाकी सब कुछ करते हो अपनी जगह पर है जिंदगी के अंदर किसी को पैसा उधार नहीं देना उधार देने से रिलेशन डैमेज हो जाते हैं और सबसे इंपॉर्टेंट उधार तो फिर भी दे दो कभी किसी का गारंटर नहीं बनना ये मेरी बात नोट कर लो पैसा तो उधार दे दोगे तो कोई बात नहीं पैसा नहीं चुकाएगा तो आपका अधिकार बनेगा रिकवरी करने का लेकिन अगर गारंटर बन गए और सामने वाले ने पैसा नहीं चुकाया तो बैठे बैठे लाइबिलिटी लेकर बैठ जाओगे ठीक है तो श्योरिटी नहीं बनना क्योंकि सेक्शन 145 क्लियर कट कहता है कि भैया अगर उसने पैसा नहीं चुकाया तो फिर तुम्हारी तो बैंड हम बजाएंगे द वर्ड केस यहां पर केस वर्ड आ रखा है यूज इन सेक्शन हंड्रेड ऑफ सीपीसी इज ऑफ वाइड इंपोर्टेंस पहले तो मैं आपको बता देता हूं 115 है क्या देखो तीन शब्द होते हैं जिनकी नाम राशि एक जैसी है वो तीन जादुई शब्द कौन से हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं जो तुम सोच रहे हो बस जादुई वर्ड कहती दिमाग वहीं पे चलेगा मैं बात कर रहा हूं तीन ऐसे वर्ड जो सेम राशि के हैं रेफरेंस रिव्यू रिविजन क्या बोलेंगे इसको रेफरेंस रिव्यू और रिविजन ठीक है ये तीन शब्द होते हैं इन तीनों शब्दों के अंदर आपके सेक्शन 113, सेक्शन 114 और सेक्शन 115 ये तीन बातें आपको यहां पर क्या कर रखी है मेंशन है जो कर रखी है रेफरेंस रिव्यू रिवीजन अब देखो रेफरेंस में तो क्या होता है कि जो आपका लोअर कोर्ट होता है ना लोअर कोर्ट जो होता है वो हाईकोर्ट को पेंडिंग मैटर मैटर अभी तक पेंडिंग चल रहा है लेकिन कोई ऐसा क्वेश्चन ऑफ लॉ आ गया है क्या आ गया है क्वेश्चन ऑफ लॉ उसके लिए वो क्या करता है इसके लिए वो जो है हाईकोर्ट को मैटर भेजता है उसकी ओपिनियन लेने के लिए ठीक है रिव्यू में रिव्यू के अंदर बेसिकली मोटा मोटी रूप से एक एरर होती है इस एरर को आप कह सकते हो जुरिस्ट्रिक्शन की एरर अब एरर भी हो सकती है और जानबूझ के भी हो सकता है जितना जुरिस्ट्रिक्शन था उतना एक्सरसाइज नहीं किया नहीं था फिर भी एक्सरसाइज कर लिया और जितना था उससे ज्यादा एक्सरसाइज कर लिया तीन बातें यहां पर आपके सामने आएगी जैसे इसके पास एक पर्टिकुलर के पास में ये जो रिस्ट्रिक्शन था ठीक है इतना वाला तो यहां पर तीन सिचुएशन बनेगी पहली सिचुएशन कि भाई उसने एक्सरसाइज किया ही नहीं नंबर वन या फिर जितना था उससे ज्यादा कर लिया ठीक है जितना था उससे ज्यादा उसने एक्सरसाइज है जो कर लिया और या फिर क्या था नहीं था फिर भी एक्सरसाइज कर लिया तो तीन सिचुएशन यहां पर आपको देखने को है जो मिलेगी किसके अंदर रिविजन के पॉइंट ऑफ व्यू के अंदर अब यहां पर वापस आ जाता मैं तो इसने रिविजन का सवाल पूछा है एक्चुअली रिविजन के अंदर बता रखा है कि ऐसा कोई भी केस तो केस का मतलब क्या है वो बातें हमारे सामने आ जाएगी तो यहां पर क्या लिखा हुआ है इट मीनस एनी स्टेट ऑफ फैक्ट जुरिडिकली कंसिडर ऐसा कोई भी स्टेटमेंट फैक्ट जिसको आपने जुरिडिकली कंसिडर कर रखा है देखो ये थोड़ा सा भावनात्मक सवाल है भावनात्मक बोले तो थोरिटिकल सवाल है तो करने का मतलब क्या है है कि भाई जिसको जज ने कर रखा है, तो रिवीजन तो तभी होगा ना क्या रिविजन मैटर का हो सकता है सीपीसी के अंदर नहीं जुडिटिकल मैटर का ही होगा दूसरा पॉइंट इट इंक्लूड द सिविल प्रोसीडिंग अदर सूट एंड इज नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू एनीथिंग कंटेन इन दिस सेक्शन टू द एंटायरिटी ऑफ द प्रोसिडिंग सिविल कोर्ट तो ये जो है ये पूरी सिविल प्रोसीडिंग पर लागू होता है ये सिर्फ और सिर्फ किसी पर्टिकुलर सूट तक रेस्ट्रिक्ट नहीं होगा बिल्कुल सही है ये तो पूरी की पूरी सिविल प्रोसीडिंग पर लागू होता है है तो सवाल आंसर क्या होगा आपके सी विल बी द करेक्ट आंसर इन दिस सिचुएशन तो ये हम लोगों ने पॉइंट है जो ऑब्जर्व किया अच्छा अब देखो ऑर्डर थर्टी थ्री ऑर्डर थर्टी थ्री इंडिजेंट पर्सन जैसे हमारे पास में कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल थर्टी नाइन ए है जो कि लीगल के संबंध में जिस तरीके से क्रिमिनल प्रोसीजर कोड के अंदर सेक्शन थ्री जीरो सीपीसी के अंदर वैसा वैसा दो ऐसे ऑर्डर है एक है ऑर्डर थर्टी थ्री में लिखा हुआ है कि भाई गरीब किसको समझा जा जाए अब यूं तो कोई भी कह अब सपोज करो मैं आपको बात बताता हूं मंदिर के आगे कोई सौ सौ रुपए के नोट बांध रहा है तो हो सकता है हर कोई गरीब ना बने लेकिन प्रधानमंत्री जी ने बोला कि भाई जो व्यक्ति गरीब है मैं उसको कल पांच पांच लाख रुपए दूंगा हर कोई हाथ खड़ा कर देगा मैं भी गरीब हूं पांच लाख दो ना दो ना पांच लाख है ना कोई भी बन जाएगा वहां पर और सपोज करो कह दिया कि पांच करोड़ दूंगा फिर तो जिसके पास सोना चांदी है वो अपनी लुगाई को बोलेगा अरे तू फटाफट उतार चार साल मोदी जी पांच करोड़ दे दिया है ठीक है कोई भी गरीब बन जाए तो ऑर्डर थर्टी थ्री में भी एक तरीका दे रखा है तरीका इन्होंने बहुत सिंपल सा दे रखा है कि दो प्रॉपर्टी को छोड़ दो दो प्रॉपर्टी को छोड़ दो पहली प्रॉपर्टी कौन सी है ऐसी प्रॉपर्टी जो अटैचेबल नहीं, नहीं है और दूसरी प्रॉपर्टी जो आपके सूट का सब्जेक्ट मैटर है जो आपके सूट का सब्जेक्ट मैटर है ठीक है इन दोनों प्रॉपर्टी को छोड़ दो बाकी अगर आपकी प्रॉपर्टी इतनी भी नहीं है कि आप जो प्रेस्क्राइब कोर्ट फी है वो पे कर सको और अगर मान लो किसी सूट में कोर्ट फी प्रेस्क्राइब नहीं है तो आप एक हजार रुपए नहीं है आपके पास इन दोनों प्रॉपर्टी को छोड़ के तो इसका मतलब आप एक इनडिजेंट पर्सन हो क्या हो यहां पे इनडिजेंट पर्सन है जो हो ठीक है पंद्रह लाख बोला था ये हमारे ये रोहतास्ट ये भी बड़े खतरनाक प्राणी है सर पंद्रह लाख ट्रांसफर करने के लिए बोला था ऑर्डर थर्टी रूल वन यहां पर क्या है

ठीक है टू प्रॉपर्टी ऑफ विच पिटिशनर अच्छा मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूं सीपीसी है ना बड़ी प्यारी है बड़ी इंटरेस्टिंग है उसको तो ये बदनाम करके रखा है सीपीसी के अंदर एक पॉइंट आता है कि एक वाइफ है जिसने खूब सारा लोन ले रखा है शादी से पहले पचास लाख का लोन ले रखा है उसने एक सरकारी अधिकारी से शादी कर ली ठीक है सरकारी अधिकारी से शादी कर ली तो आप समझते हो शादी करने का मतलब वो उसका पति बन गया अब सवाल ये आता है कि उसकी वाइफ ने मतलब जो होने वाली वाइफ है उसने ये सोचा था कि भाई मैं क्या पचास लाख लोन ले रही हूं मेरा होने वाला सही है सरकारी आदमी है सरकारी दमाद है उसमें से उसकी सैलरी में से वसूल करा दूंगा करा दूंगी सॉरी तो मुझे बताओ आपकी सीपीसी क्या कहती है क्या अनमेरिड लेडी का जो डेप्ट है मैरिड होने के बाद हस्बैंड के ऊपर थोपा जा सकता है आपको क्या लगता है देखो वो बात अलग है वो वो लुगाई कूट कूट के उसके हस्बैंड से वसूली है, आ, उसको पेमेंट करें, वो एक अलग बात है अगर हम कूटा कूटी को अलग रख दें अगर हम दे धनाधन इसको अलग रख लें तो क्या ऐसा संभावना हो सकता है कि कानून ये कहे कि भाई वाइफ का शादी से पहले का जो लाइबिलिटी है वो हस्बैंड बियर करेगा आंसर है नहीं ऐसा नहीं होगा शादी होने के बावजूद भी आपकी सिविल लाइबिलिटी की जिम्मेदारी भैया हस्बैंड को संभालने के प्रति लाइबल नहीं है एक्सेप्ट सब्जेक्ट एक्सेप्टूटा गुटी वो एक अलग प्रोविजन आ जाएगा तो यहां पर क्या है यहां पर इसलिए पहला पॉइंट है जो नहीं आएगा ये इंडिजन की कैलकुलेशन फर्स्ट पॉइंट कवर नहीं करेंगे थ्रू प्रॉपर्टी एक्चुअल कंट्रोल यस ऐसी प्रॉपर्टी जिस पर पिटिशनर का खुद का अधिकार है वो इसके अंदर आपके कवर्ड हो जाएगी तीसरा to sufficient property and exclude the sole mean of livelihood ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ यहाँ पर तो इसका आंसर होगा टू तो sufficient mean का मतलब ऐसी प्रॉपर्टी जिसका एक्चुअल कंट्रोल हो अब यहाँ पर दो चीजें अपन एक्सक्लूड करते हैं एक तो अटैचेबल वाला मामला और दूसरा, दूसरा दूसरा वाला मामला ठीक है दूसरा बोले तो सूट का सब्जेक्ट मैटर वाला मामला ठीक है आगे बढ़ते हैं यहाँ पर क्लेरिकल अर्थमेटिकल मिस्टेक इन द दे जजमेंट देखो मैं एक बात बताऊँ आपको ठीक है आ, अभी कुछ दिन पहले मैंने यूपी पेपर पेपराथन लॉन्च की थी यूपी पेपर लगभग कितना हो सात आठ दिन हो गए अब भी आई है अब ए आईबी के अंदर कुछ क्लियरिकल गलतियां होगी क्लियरिकल गलतियां हो दिखावा गलतिया होगी अब फिर आपके अंदर का वकील जागेगा हनसुख सर कितना पेमेंट किया था मैंने आपको नहीं वेबसाइट पे चेक करके बताओ वेबसाइट दस दिन हो गए हैं वेबसाइट पे चेक करके बताओ सपोर्ट टीम को धमकाते बड़े गजब है मतलब सपोर्ट टीम ने आज मेरे को दो तीन रिकॉर्डिंग सुनाई मैंने कहा यार ये मेरे वाले स्टूडेंट है जो मेरे से बात करते एकदम तो इतना प्यारा प्यारा बात करते हैं और सपोर्ट टीम को तुम यार धार ही नहीं हो रिकॉर्डिंग सुनी मैंने आज एक दो कैंडिडेट्स की मैंने सुबह ऑर्डर किया है तब तक भेजोगे मेरी बुकलेट आप मैम अभी दो चार दिनों के अंदर रवाना नहीं नहीं दो चार दिन क्या होता कब भेजने वाले हो ये बताओ आप मैंने सुबह ऑर्डर कर रखा है और अभी तक मेरा ट्रैकिंग आईडी क्यों नहीं आया क्या कर रहे ये? हो ये लॉ वाले होकर लॉ वालों कोई धमका रहे हो क्या करते हो ये हुए धैर्य तो आज हंड्रेड परसेंट आएगा आपसे ज्यादा इधर टेंशन है फटाफट बुकलेट भेजो एक बार सुबह ऑर्डर गया ट्रैकिंग गाड़ी कब आएगा टेंशन बढ़ जाओ तुम तो है हाथ ऐसा पीछे डाल के एकदम वकील कहां से बढ़ गए अगला पॉइंट तो क्या है क्लियरिकल और अर्थमेटिकल मिस्टेक्स कहीं पर हो सकती है इसकी लिंकिंग आप इस बुकलेट से भी कर सकते हो तो यहां पर क्या होगा एक एक हमारे पास सेक्शन सेक्शन आता है है 152 152 के के अंदर अंदर मेंशन कर रखा कि भाई एक बार जो आपने जजमेंट जजमेंट दे दिया उस के आप या अर्थमेटिकल एर वगैरह होती है उसको शॉर्ट आउट कर सकते हो वेरी गुड कृष्ण चौधरी जी बहुत बढ़िया देखो मैंने एक फंडा बताया था कि क्रिमिनल मामलों के अंदर भी सिमिलर प्रोविजन है क्रिमिनल मामलों के अंदर भी सिमिलर प्रोविजन है तो यहां पर वन है

ज गए देखा स्टाइल देखे स्मार्ट बोर्ड है मेरे पास चलो भाई हाँ। तो अभी बाकी के जो प्रोविजन है आपके ए आई बी थर्टीन सिक्सटीन हम लोग साढ़े नौ बजे मिलते हैं स्पेशल क्लास के अंदर और वहां पर पोल कंडक्ट करेंगे यानी कि आपके सवालों के जवाब आप दोगे उसके बाद आंसर फाइंड आउट करेंगे और फिर जो है उसके तरीके से हम लोग क्या करने वाले डील है जो करने वाले हैं तो बहुत कुछ है अभी डील करने के लिए समझने के लिए छोटी सी जानकारी आपको दे देता हूं और वो ये है ट्वेंटी सिक्स जनवरी से मैं फिर से कह रहा हूं जो कैंडिडेट सीरियस मोड पे देखो मैं थोड़ा सा मस्त मौला तरीके से आपके बीच में इसलिए रहता हूं क्योंकि मेरा मानना है कानून की पढ़ाई को दबाव में जिया नहीं जाता है और दबाव क्रिएट करके हम अच्छे जज नहीं बन सकते तो ऐसे केसेस के अंदर थोड़ा सा माइंड को रिलैक्स करके स्मार्ट टेक्निक से ये लिंकिंग ये मेरा वर्ड है आपको लिंकिंग इज द स्मार्टेस्ट टेक्निक इन द फील्ड ऑफ लीगल प्रिपरेशन इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मेरे चैनल का नाम लिंकिंग लॉ है नहीं ये वाकई में वर्क करती है जब चीजों को आप कनेक्ट करते हो ना तो पॉइंट जैसे भी 362 और 152 हमने कनेक्ट कर दिया तो 22 का प्रोजर ऑटोमेटिकली याद रह जाएगा ठीक है अरे भाई लिंकिंग चार्ट डिग्लॉट है प्रभु डिग्लॉट है मैंने सिर्फ एक गलती की है मैंने सिर्फ ए भी अंग्रेजी के अंदर निकाली है बाकी मेरे सारे पब्लिकेशन हिंदी और इंग्लिश मिक्सअप में ही चलते हैं डिगलॉट ही चलते हैं ठीक है ना तो आप लोग क्या कर सकते हो ऑब्जर्व मस्ती से कर सकते हो वहां पर बढ़िया तैयारी करो उससे 26 जनवरी को एक कॉम्प्रीएं बैच ट्वेल्थ मंथ का स्टार्ट कर रहा हूं अगर वर्ड टू तो वर्ड प्रॉपर वे में डायग्रामेटिक नोट्स बनाते हुए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो यू मस्ट कम और मिलके क्या करेंगे इस तरह की चीजों को डील है जो करेंगे दिस इज द वे हाउ वी प्रिपेयर द डायग्रामेटिक नोट्स इन क्लासेस और आप लिंकिंग लॉस तनसुख सर टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट ना अच्छा अभी आज आपकी मेरे ख्याल से एक ऑफर चल रहा है ना आपके पास अगर आज आप ये लिंकिंग कोड इस्तेमाल करते हो तो आपके पास ट्वेंटी परसेंट का ऑफर है सामान्यता ये कितना रहता है रहता है तो अभी आज आपके लिए स्पेशल एक ऑफर ऑफर चल रहा है ऑफर है इसके लिए लालच में नहीं आना है ना 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 लेकिन हाँ कल अगर एक खर्च कर ही रहे हो और वही चीज आज सौ रुपए में मिल रही है तो बीस रुपए बचा लो समोसा खा लेना खिला देना मना थोड़े ना करेंगे ठीक है जी थी? चलिए तो ये सारी बातें हैं बाकी स्पेशल क्लास के अंदर मिलेंगे स्पेशल क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है लेकिन शर्त यह है कि आप इस लॉक्ड क्लास को लिंकिंग कोड के साथ में अनलॉक है जो करो ठीक है अनलॉक है जो करो इसको ठीक है जी थी? चलो सो थैंक यू थैंक यू सो मच पैसे नहीं है क्या करें तो पैसा कमाए। पैसा ये तो कहना ही गलत है भैया पैसा कमाते हैं यार हिम्मत है हमारे अंदर लॉ ग्रेजुएट है आर्ट्स के स्टूडेंट थोड़ा है एल एल फर्स्ट के चार बच्चों को पकड़ा के पढ़ाना सिखाएंगे ना तो भी महीने के कम से कम तीन चार हजार कमा देंगे मुझे बताओ सही है कि नहीं है अपना आत्मसम्मान अपना गुरूर अपनी जिंदादली अपना विश्वास और अपना जुनून हमी से है और उसको हम ही बना के रखना थैंक यू थैंक यू सो मच कैच यू एट नाइन थर्टी ऑन स्पेशल क्लास अन अकेडमी ऐप